नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे मिरीजी सिंड्रोम के बारे में। मिरीजी सिंड्रोम एक बहुत ही रेयर कंडीशन है, लेकिन फिर भी कुछ पेशेंट जिन्हें की गॉल ब्लैडर में स्टोन है वो इससे सफर करते हैं, और इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। मिरीजी सिंड्रोम का मतलब है कि बहुत पुराना स्टोन होने की वजह से और गॉल ब्लैडर के नेक के पास क्रॉनिक इन्फ्लामेशन के होने की वजह से जो CHD है, यानी कि कॉमन हिपेटिक डक्ट, जहाँ पर CBD शुरू होती है, जहाँ सिस्टिक डक्ट मीट करता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, इस रीजन में क्रॉनिक इन्फ्लामेशन और गॉल स्टोन के प्रेशर की वजह से पेशेंट को जॉन्डिस हो सकता है और इस पाइप में सिकड़न भी आ सकती है। उसे हम टाइप 1 मिरीजी सिंड्रोम बोलते हैं, यानी कि CBD के अंदर स्टोन नहीं है या CHD के अंदर स्टोन नहीं है, लेकिन एक्सटर्नल कंप्रेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से या उसमें जो इन्फ्लामेशन है उसके कंप्रेशन की वजह से पेशेंट को जॉन्डिस या रेकरेंट इन्फेक्शन हो सकती है बाइल के अंदर। दिस इज नोन एज मिरीजी सिंड्रोम टाइप 1। अगर ये स्टोन परफोरेट करके, यानी कि एक अपना एक रास्ता बनाकर CHD या CBD के अंदर चला जाता है, तो उसे हम टाइप 2 मिरीजी सिंड्रोम बोलते हैं, और इस केस में भी पेशेंट को पहले की केस की तरह जॉन्डिस हो सकता है, पेन हो सकता है, रेकरेंट इन्फेक्शन हो सकते हैं। पेशेंट्स कैसे प्रेजेंट करते हैं? कुछ पेशेंट्स में जैसे गॉल ब्लैडर स्टोन्स की वजह से सिम्टम्स हुए या किसी और वजह से हमने स्कैन करवाया, तो ये कंडीशन पता चल सकती है कि गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन है जो कि इम्पिंच कर रहा है टुवर्ड्स द CHD या CBD, और उसे जॉन्डिस हो रहा है, और देन वी कैन डायग्नोज कि दिस इज अ मिरीजी सिंड्रोम। इसके बाद डॉक्टर्स आपको MRI, जिसे कि हम स्पेसिफिकली MRCP के नाम से जानते हैं, उससे एडवाइस कर सकते हैं, ताकि क्लियर पिक्चर सामने आए कि हमें इसका ऑपरेशन कैसे प्रोसीड करना है, इसका इलाज कैसे करें। टाइप 1 मिरीजी सिंड्रोम में, जहाँ के नीचे एक स्टोन है या स्ट्रक्चर है, उसमें बहुत सारे केसेस में जब ये स्टोन निकाल दिया जाता है तो वो नॉर्मल हो जाते हैं, उनके अंदर जो जॉन्डिस है वो ठीक हो जाता है और उन्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर जॉन्डिस बहुत ज़्यादा है, तो सर्जरी से पहले जॉन्डिस कम करने के लिए ERCP करके हम ये जॉन्डिस को कम कर सकते हैं, और देन जब पेशेंट सर्जरी के लिए फिट हो जाए तब हम गॉल ब्लैडर को और उसके अंदर के स्टोन को निकाल सकते हैं। ये सर्जरी टेक्निकली चैलेंजिंग हो सकती है, इसलिए आपको डॉक्टर्स पहले एडवांस सेंटर्स और एडवांस सर्जन को रिकमेंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी का स्ट्रक्चर परमानेंट है, तो किसी किसी केसेस में अगर ये स्ट्रक्चर परसिस्ट करता है तो बाद में इस स्ट्रक्चर को बाईपास करने के लिए एक सेकेंड ऑपरेशन किया जा सकता है, जिससे कि हम जहां पर सिकड़न हो गई है उसके ऊपर कॉमन हिपेटिक डक्ट को काट कर उसे डायरेक्टली आंत के साथ जोड़ सकते हैं, जिससे कि हम रूएन वाई हिपेटिको जेजेनोस्टमी या कुछ केसेस में हिपेटिको ड्यूडेनोस्टमी सर्जरी कर सकते हैं। इसके बाद अगर टाइप 2 मिरीजी सिंड्रोम है, जिसमें कि एक रास्ता बन गया है बिटवीन गॉल ब्लैडर एंड CHD, तो उसमें हम गॉल ब्लैडर सर्जरी के टाइम पर इस फिस्टुले को क्लोज कर सकते हैं, गॉल ब्लैडर का ही वॉल का एक हिस्सा इसके ऊपर दोबारा चिपका सकते हैं, ताकि जो ओपनिंग है ये बंद हो जाए और पेशेंट अच्छे से रिकवर कर पाए। सो अगर आपको डायग्नोसिस हुआ है, आपके किसी टेस्ट में मिरीजी सिंड्रोम आया है, तो घबराइए नहीं, डॉक्टर से मिलिए। वी होप ये वीडियो देखकर आपको एक आशा की किरण नजर आई होगी और आप इस बिना डर से इसे ऑपरेट करवा पाएंगे। थैंक यू।